औरतें अकेले लड़ेंगी चुनाव, अकेले कर पाएंगी बीजेपी कांग्रेस का सामना, क्योंकि बढ़ने वाली है मायावती की टेंशन। 2024 चुनाव बसपा प्रमुख मायावती ने अकेले लड़ने का फैसला तो कर लिया, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। पूरे विपक्ष और सत्ता पक्ष के खिलाफ उनकी लड़ाई इतनी भी आसान नहीं होने वाली है जितना उन्होंने सोचा है, और इसका अंदाजा भी अब मायावती को होने वाला है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर मायावती का खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, राजनीति में बसपा प्रमुख मायावती एक बड़ा चेहरा है, उनके अपने वोटर्स हैं, उनकी अपनी रणनीति है, लेकिन उनकी रणनीति पर कांग्रेस बीजेपी भारी पड़ रही है, क्योंकि मायावती के वोटरों पर अब बीजेपी और कांग्रेस की नजर है। दलित वोटरों पर कांग्रेस की नजर। खबर है कि कांशी राम के सहारे कांग्रेस दलित वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि कांशी राम परिनिवारण दिवस को देखते हुए कांग्रेस प्रदेश भर में दलित संवाद, दलित गौरव यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस का ये कार्यक्रम 9 अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलेगा। ऐसे ही कई कार्यक्रम हैं जिससे दलित वोटरों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इन कार्यक्रमों से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस दलितों को एक बार फिर से पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो 1,00,000 वोटरों से दलित अधिकार पत्र भरवाने का भी लक्ष्य रखा है। बीजेपी की भी है फुल तैयारी। इसके अलावा बीजेपी भी दलित वोटरों को लेकर तैयारी में है। अभी हाल फिलहाल ही बीजेपी ने दलित वोटरों के लिए कई कार्यक्रम रखे थे। वहीं बीजेपी लगातार दलित वोटरों के अपने साथ होने का दावा भी करती है। ये तक कहती है कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनसे सबसे ज्यादा फायदा इसी वर्ग के लोगों को पहुंचा है, इसलिए दलितों का भरोसा बीजेपी के साथ है। इसलिए अभी बीजेपी भी दलित वोटरों को साधने में लगी हुई है। सपा भी दलितों को साधने में जुटी। सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस से नहीं, समाजवादी पार्टी भी इसी प्लानिंग के साथ सामने आई है। बसपा से गठबंधन टूटने के बाद से अखिलेश यादव की पार्टी सपा दलितों को जोड़ने के प्रयास में जुटी हुई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तो लगातार पीडीएफ फॉर्मूला का जिक्र करते हैं, जिसमें पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया है। बढ़ने वाली है मायावती की टेंशन। अब सपा, कांग्रेस और बीजेपी के इस प्लान से मायावती की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि एक तो मायावती अकेले चुनाव लड़ने वाली है, उसके ऊपर से उनके जो दलित वोटर है उस पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की नजर है, दोनों मिलकर हमला करने वाले हैं। ऐसे में मायावती के वोट बैंक पर खतरा तो है, जिससे मायावती की टेंशन बढ़ ही जाएगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।